हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको सितंबर 2019 में टॉप 5 सरकारी नौकरियों के फॉर्म जो आपको फिल करने चाहिए उनके बारे में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात जो इन सभी वैकेंसी की रहेगी कि आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप 10वीं और 12वीं पास भी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में वैकेंसी की आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताऊंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो को फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर पहली भर्ती मिलेगी यानी जो पहली वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ वो परिवहन निगम में आई हुई है, यानी कि जो उसका रिक्रूटमेंट और सन्नी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रहेगा, यानी जो आपको उसमें पोस्ट मिलेगी आरटीओ इंस्पेक्टर, आरटीओ असिस्टेंट इंस्पेक्टर, आरटीओ कांस्टेबल, प्योन और क्लर्क के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें टोटल पोस्ट जो आपको मिलेगी 5542 पोस्ट दी गए टोटल। जो आपका इसमें इस वैकेंसी के लिए पे स्केल रहेगा वो सभी पोस्टों के लिए वैसे तो अलग अलग है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता पाऊंगा। लेकिन जो आपकी इसमें सैलरी रहेगी वो 15600 से लेकर 39100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल यानी कि इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी। अब देखें फ्रेंड्स, अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10वीं 12वीं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे, सभी पोस्टों के लिए आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो प्योन की वैकेंसी है इसके लिए आप 10वीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। जो इसमें एज लिमिट रहेगा वो अगर आप 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए इसमें कोई फीस नहीं रहेगा, इनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका रहेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको इसमें आपको आवेदन फिल करना होगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 8 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 26 सितंबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो पे क्लिक करके आप इसकी फुल डिटेल भी ले सकते हैं, यानी कि आप इसका नोटिफिकेशन भी यहां पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी आप यहां से रीड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड, जो यहां पर सेकंड भर्ती होगी यानी कि जो सेकंड रिक्रूटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो इनकम टैक्स विभाग में आई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, पियोन और टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर फ्रेंड्स हम इसके टोटल पोस्ट की बात करें, 2458 पोस्ट दी गई। जो आपका पे स्केल रहेगा यानी कि जो उसमें आपको सैलरी रहेगी 15600 से लेकर 40900 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, वैसे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है। जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा इसमें भी 10वीं 12वीं अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, वैसे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में रीड करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। जिसमें एप्लीकेशन फीस रहेगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 150 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा केवल और केवल आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा और रिटन एग्जाम होगा, यानी कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको इसमें आवेदन करना होगा और आप यहां से इसका आवेदन भी कर पाएंगे। अब देखें फ्रेंड्स, इसमें जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फ्रेंड्स अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 28 सितंबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इसको आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार एक लाइक
जरूर कर देना। अब देखें फ्रेंड, जो आपकी तीसरी वैकेंसी रहेगी यानी कि जो तीसरी भर्ती रहेगी वो आप देख सकते हैं आरपीएफ के लिए रहेगी, यानी कि जो उसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें आपको पोस्ट मिलेगी कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 19,992 पोस्ट दी गई है। जो आपका पे स्केल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल कॉन्स्टेबल के लिए रहेगा। एसआई के लिए यहाँ पर 15,600 से लेकर 39,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। अगर फ्रेंड्स हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि जो एसआई की वैकेंसी है उसमें आप ग्रेजुएशन से ही अप्लाई कर पाएंगे। जो इसमें एज लिमिट रहेगा 18 से लेकर 25 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा वो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा, अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा यानी कि रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन, और फिर आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। जॉब लोकेशन भी आपका ऑल ओवर इंडिया में ही रहेगा। 14 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 12 अक्टूबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना, यानी कि इसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर रहेगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लिक एयर पर आप क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो क्लिक एयर फॉर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। फ्रेंड, जो यहाँ पर चौथी वैकेंसी रहेगी यानी कि जो यहाँ पर आपको फोर्थ वैकेंसी रहेगी वो असम राइफल की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि जो उसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो असम राइफल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो पोस्ट नेम मिलेगा आपको कॉन्स्टेबल जीडी की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर 312 पोस्ट मिलेगी। जो आपका पे स्केल रहेगा 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, और जो इसमें एप्लीकेशन फीस रहेगा वो सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑफलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में ही रहेंगे। 28 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो चुका है जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 26 सितंबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, अगर आप इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो क्लिक कर फॉर मोर नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स लास्ट वैकेंसी आपको मैं बताने वाला हूं, वो आई है वाटर डिपार्टमेंट में, यानी कि जल विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जो आपको पोस्ट मिली क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर, पियोन और ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 4,640 पोस्ट दी गई है। जो आपका पे स्केल रहेगा यानी कि जिसमें आपको सैलरी रहेगी वो 4,640 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। जो आपका पे स्केल रहेगा 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 8वीं 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि पियोन की जो वैकेंसी है इसमें आप 8वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। और फ्रेंड्स जिसमें एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा, अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 75 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। फ्रेंड्स उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा वो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 12 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 8 अक्टूबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर आप इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके भी आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर और वैकेंसी की भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने टॉप 5 सरकारी नौकरियों के बारे में और बताया हुआ है, जैसे कि बीएसएफ हुआ, आईटीबी हुआ, इंडियन नेवी में जो एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है, या फिर जो सीएसएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इन किसी की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इनकी रीड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।